कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ी। खड़गे की कंपनी के खिलाफ 5 एकड़ जमीन घोटाले का लगा आरोप। बीजेपी ने की लोकायुक्त से घोटाले की जांच की मांग। एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। जहां भी इसको सत्ता में आने के बाद दिखता है कि ये जमीन SC ST OBC गरीब समाज के लोगों की है तो वहां वहां वो जमीन को अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बैक टू बैक जमीन घोटाले के बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कानूनी दाव पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा के नेता रमेश NR ने खड़गे और अन्य के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता NR रमेश ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, दस्तावेजों की जालसाजी, सरकारी जमीन को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश और सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने में मदद करने का आरोप शामिल है। 5 एकड़ के जमीन के मामले में यह घोटाला निकल कर सामने आया है। आरोपों में से एक सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इसे लेकर खड़गे, मंत्री प्रियांक एम खड़गे, राहुल एम खड़गे, राधाबाई एम खड़गे, राधा कृष्ण, मंत्री MB पाटिल और IAS अधिकारी डॉक्टर S सेल्वा कुमार का नाम शिकायत में दर्ज किया गया है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है और एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। यह जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जहां भी इसको सत्ता में आने के बाद दिखता है कि ये जमीन SC ST OBC गरीब समाज के लोगों की है तो वहां वहां वो जमीन को अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। नेशनल हेरल्ड, हरियाणा में दामाद, कर्नाटका में बीवी, ये सभी को बेनिफिशियरी बनाती है और इसीलिए कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहलाती है। कांग्रेस का तो काम ही यह है कि सत्ता में आकर लूट मचाना। मित्रों, जो हजारों करोड़ों का लूट कर्नाटका में मचाया गया है मूडा स्कैम के नाम पर, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ दैट हैव बीन यूसर्प्ड इन द नेम ऑफ मूडा स्कैम इन कर्नाटका, आफ्टर दैट द कांग्रेस पार्टी हैज डन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी सर्टिफाइड लूटेरा। हजारों करोड़ों की जमीन मूडा स्कैम में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है। मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू एवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, CBI के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरह पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, CBI से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को CBI से बचाने के लिए अब CBI के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। फर्स्ट यू अर्न एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट।
यही एटीट्यूड और अप्रोच बन चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी करप्शन के प्रति, और यही एटीट्यूड और अप्रोच है सीएम सिद्धरमैया का भी, जब से मुड़ा स्कैम में उनकी जो कल्यूजन और सम्मिलितता है वो पाई गई है। तो अगर मैं इसको समअप करूं, अगर मैं इसको बोलूं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का मोटो बन चुका है कि पहले करूंगा भ्रष्टाचार। कोर्ट का आदेश आए, हाई कोर्ट का आदेश आए, स्पेशल कोर्ट का आदेश आए, तो मैं निकालूंगा विक्टिमहुड कार्ड, मैं किसी भी तरीके से एजेंसीज का करूंगा विरोध और नहीं आने दूंगा उनको अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि लूट है मेरा जनसिद्ध अधिकार। यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसके पास जमीन लूटने का जनसिद्ध अधिकार है, और अगर जांच शुरू होती है, हाईकोर्ट आदेश देता है, तो कांग्रेस पार्टी एक लुटेरा चोर पार्टी, एक प्रोफेशनल चोर की तरह, एक पेशेवर चोर की तरह, जैसे चोर पुलिस से भागता है, वैसे कांग्रेस पार्टी सीबीआई का जनरल कंसेंट कर्नाटका में विड्रॉ कर देती है ताकि सीबीआई आ ही ना सके और उसमें जांच कर ही ना सके। मित्रों, इस मंच से, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द मुड़ा स्कैम, इट्स मोडालिटीज, हाउ दिस 5,000 करोड़ स्कैम वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड। पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में, इन द लास्ट फ्यू डेज, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर पर 3 स्ट्राइक आए हैं। आपको पता होगा आजकल की डिजिटल एज में स्ट्राइक लगता है। स्ट्राइक 1 था कि गवर्नर ने सैंक्शन दिया, अप्रूवल दिया कि यह जो मामला है प्रथम दृष्टया 5,000 करोड़ के घोटाले का मामला है, SC ST OBC समाज के जमीन को लूटने का मामला है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्ट्राइक 1। स्ट्राइक 2 था हाईकोर्ट का, वो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका हाईकोर्ट वो स्ट्राइक 2 अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया, जिसमें वो पूर्ण तरीके से इंडाइट हो गए। एंड देन द थर्ड स्ट्राइक वॉज द स्ट्राइक बाय द स्पेशल कोर्ट विच डायरेक्टेड दैट FIR बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC एंड POCA। अब 3 स्ट्राइक आने के बाद, when there are 3 strikes of corruption against you, when there are 3 undeniable important pieces of evidence against you, अपना इस्तीफा देने के बदले, instead of resigning, Karnataka CM and Congress party exhibited 3 traits. 3 strike आए तो Congress party ने 3 तरीके के लक्षण दिखाए। पहले, SC समाज से आने वाले हमारे बहुत ही विवेकशील देश के कर्मठ व्यक्तियों में से एक थावरचंद गहलोत जी के विवेक पर सवाल उठाया गया। द कांग्रेस पार्टी इमीडिएटली स्टार्टेड रिजोर्टिंग टू अब्यूजिंग द गवर्नर। मैं गवर्नर को कभी भी SC ST OBC इस प्रकार से नहीं दिखता। गवर्नर एक संवैधानिक पद है, पर क्योंकि मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम कुछ लोग करते हैं, तो जो व्यक्ति SC समाज से आते हैं, ऐसे गवर्नर को अब्यूज करना, उसको इंसल्ट करना, और एक इवान डिसूजा नाम का एक कर्नाटका कांग्रेस का नेता, वो तो बोलता है कि मैं इनको मार दूंगा, इस प्रकार की धमकी देता है। यह किया गया एक गवर्नर के खिलाफ, और क्या निकला हाईकोर्ट के द्वारा? हाईकोर्ट ने गवर्नर को विंडिकेट करते हुए कहा कि द गवर्नर हैज टेकन द एब्सोल्यूटली करेक्ट डिसीजन टू एंश्योर दैट देयर इज अप्रूवल ऑफ सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने और क्या क्या कहा, क्योंकि ये हाईकोर्ट ने न केवल कांग्रेस को पहली स्ट्राइक लगाई, परंतु उन्होंने गवर्नर को भी विंडिकेट किया। उन्होंने कहा, पैरा 53 में मैं पढ़ रहा हूं हाईकोर्ट का ऑर्डर, दैट फॉर द रीजन दैट इफ द पेटिशनर वॉज नॉट इन द सीट ऑफ पावर, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते सिद्धरमैया, वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं होते, तो इस प्रकार का बेनिफिट उनके फैमिली को नहीं मिलता। फिर उसके आगे कहते हैं हाईकोर्ट, मेयरली बिकॉज द वाइफ ऑफ द पेटिशनर हैज इंडल्ज इन दीज एक्ट्स लीगल और इलीगल, द पेटिशनर कैनॉट बी सेट टू बी कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, एंड देयरफॉर इट प्रिमा फेसी डिपिक्ट्स स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्म्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, नोट द वर्ड्स अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड पोर्ट्रेज अब्यूज ऑफ पावर ऑफ द सीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर और एनी अदर पेटिशनर पोस्ट हेल्ड बाय द पेटिशनर।
मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है दैट द चीफ मिनिस्टर अब्यूज द पावर एंड मिसयूज हिज इन्फ्लुएंस. फिर हाईकोर्ट कहता है द पेटिशनर सीएम इज अनडाउटेडली बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ एवरी बेनिफिट दैट हैज फ्लोन टू द वाइफ ऑफ द पेटिशनर. द बेनिफिट इज टू द फैमिली प्राइमा फेसाई ड्यू टू द पावर ऑफ द पेटिशनर. साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि बिकॉज द चीफ मिनिस्टर इज इन पोजिशन ऑफ पावर, वो क्योंकि सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, आसीन है, इसीलिए इतना बड़ा मुनाफा उनके परिवार और परिवारजनों को मिला है. नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इज शोन, आगे हाईकोर्ट कहता है, वेर अ पर्सन हु हैज रेलिंक्विश्ड लैंड इन केसरग्राम हैज बीन ग्रांटेड कॉम्पेंसेटरी लैंड इन अपस्केल एरिया ऑफ माइसोर सिटी. मतलब कि यह फायदा भी जो पहुंचाया गया है केवल अपने परिवारजनों को. कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जमीन का फायदा केवल अपने दामाद और बीवी को पहुंचाती है, दामाद बीवी को ही लाभ पहुंचाती है. इसीलिए यहां पर भी कहा गया है कि किसी एससी समाज के व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिला, केवल जो सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी है, परिवारजन है, उनको फायदा मिला. और आखिरी में हाईकोर्ट कहता है, फाइनली द हाईकोर्ट सेज How and why the rule was bent in the favor of the family of the chief minister is required to be investigated. If this does not require investigation, I fail to understand what else can merit investigation. ये आने के बाद कांग्रेस पार्टी का रिस्पॉन्स होता है कि गवर्नर के विवेक पर आज भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का सेकेंड रिस्पॉन्स जो कल आपने देखा होगा, एक मीडिया के कर्मचारी माइक लेकर जाते हैं सवाल पूछने के लिए कि सर व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, हाई कोर्ट हैज सेड दिस, स्पेशल कोर्ट हैज सेड दिस, क्या रिस्पॉन्स है आपका, आप इस्तीफा देंगे? तो जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मीडिया के माइक को धक्का मारते हैं और एरोगेंटली बोलते हैं कि कौन है आप मुझसे सवाल पूछने के लिए. इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के भाईजान और मीडिया को धमकी की दुकान और एससी समाज के गवर्नर का अपमान करने की दुकान है. यह सेकंड रिस्पॉन्स था, मीडिया के माइक को धक्का मारना, मीडिया को गालियां देना, मीडिया को साइलेंस करना. और जो अब कल हमने थर्ड रिस्पॉन्स देखा है कांग्रेस पार्टी का, जो एक प्रोफेशनल लुटेरा या प्रोफेशनल चोर करता है, एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे, जैसे चोर पुलिस से बचने के लिए छुप जाता है, वैसे सीबीआई के लिए ही जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है. दिस एक्शन ऑफ द कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट डिपिक्ट्स अ गिल्टी माइंड इन इटसेल्फ. द वेरी एक्शन ऑफ ट्राइंग टू इवेड द सीबीआई, टू अवॉइड द सीबीआई, क्योंकि आपकी सरकार तो मई 2023 में बनी, आज आपको समझ में आया सीबीआई इज एक्टिंग विंडिक्टिवली, आज सितंबर 2024 में आपको समझ में आया कि सीबीआई इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब हाईकोर्ट का इतना स्टिंगिंग इंडाइटमेंट आपके खिलाफ आया. और इसीलिए मैं कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, 6-7 सवाल है. क्वेश्चन नंबर 1, टू कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एंड टू ऑल द वर्दीज, इफ देर इज नथिंग टू हाइड इन द मुडा स्कैम, वाई डोंट यू स्टेप डाउन मिस्टर चीफ मिनिस्टर, अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर प्रोब, अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, एंड वाई इज इट दैट एट दिस लेट स्टेज यू हैव विड्रॉन द सीबीआई कंसेंट, वेन योर गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन मे 2023, देन टूडे वाई यू हैव वोकन अप एंड वाई यू हैव डन द विड्रॉल ऑफ कंसेंट. पहला सवाल है, कुछ छिपाने लायक बात नहीं है, तो आज इस लेट स्टेज में आप सीबीआई का कंसेंट विदड्रॉ क्यों कर रहे हैं? और फ्री एंड फेयर प्रोब हो जाए इसमें, इतने सारे इंडाइटमेंट्स आने के बाद कम से कम क्या कोई भी नैतिक कानूनी अधिकार बनता है कि चीफ मिनिस्टर अपने पद पर बने रहे? सेकंड क्वेश्चन, क्या यह संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है कि इतने सारे ऑर्डर्स और ऑब्जर्वेशंस और इंडाइटमेंट आने के बाद कोर्ट के द्वारा आपने अपनी चोरी को छिपाने के लिए सीबीआई को ब्लॉक किया है? Isn't it not true that after the overwhelming evidence that has been heaped upon you by the agencies and by the courts, now you have blocked the CBI so that you can evade the action on your acts of corruption?
एक उदाहरण यह भी है कि जब मोदी जी स्वयं सीएम थे तो उनपे ना जाने कितने सारे केसेस, कितने सारी एजेंसीज अनलीज कर दी गई थी, पर कभी भी गुजरात सरकार ने उस समय की या मोदी जी ने इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया था। इनफैक्ट वो मुख्यमंत्री होते हुए हर इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से साथ देते थे, समर्थन देते थे, और यही टेस्ट होता है, यही डिफरेंस होता है एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो मान लेता है, स्वीकार लेता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। तीसरा सवाल, राहुल गांधी जी आप संविधान संविधान की बड़ी बातें करते हैं, आप संविधान और समाज की समाज के सम्मान की बड़ी बातें करते हैं, क्या गवर्नर को, खास करके थावरचंद गहलोत जैसे एक अति वरिष्ठ गवर्नर को जिस प्रकार से गालियां और धमकी दी गई, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाइयां की? चौथी बात, आज क्या स्पष्ट नहीं हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में केवल यह मूडा स्कैम नहीं, अब तो मूडा स्कैम 5000% कंफर्म हो चुका है, पर मूडा स्कैम के अलावा वाल्मीकि स्कैम में भी एसटी समाज का पैसा लूटा गया, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, शराब खरीदी गई, चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल किया गया, एक व्यक्ति की आत्महत्या भी हुई, मंत्री का नाम भी सामने आया, और बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी कहती है स्कैम तो हुआ है जी पर 180 करोड़ का नहीं हुआ है, केवल 90 करोड़ का स्कैम है, यह भी उन्होंने सर्टिफाई किया है कि यह स्कैम हुआ है। फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, चावल घोटाला, और जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि न केवल गांधी परिवार का नेशनल हेराल्ड घोटाला बल्कि खड़गे परिवार के ट्रस्ट में भी जिस प्रकार से एरोस्पेस पार्क की जमीन आई उसमें भी बहुत बड़ा प्रथम दृष्टि घोटाला सामने नजर आ रहा है, क्योंकि एक एससी एसटी समाज के व्यक्ति को जो स्टार्टअप के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अब्यूज ऑफ पावर करके एक फैमिली रन ट्रस्ट को मिल जाती है। तो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं। और क्या सीएम को किसी भी रूप से कंटिन्यू करने का अधिकार अब इसके बाद मिलता है? और आखिरी सवाल, ये सीबीआई ईडी का रट लगाना बंद कीजिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। ये वही राहुल गांधी है जब उनको सूट करता है तो वो कहते हैं विजयन जी के पास चली जाए ईडी, विजयन जी के पास चली जाए सीबीआई, जब उनको सूट करता है तो शराब घोटाले में लिकर स्कैम की कंप्लेंट लेकर ये लोग सीबीआई ईडी के दरवाजे पहुंच जाते हैं और कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस पूरे जगह पर पोस्टर लगाती है केजरीवाल चोर है, और जब सूट नहीं होता है तो ये पार्टियां सीबीआई ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। आज सवाल सीबीआई ईडी का नहीं है, आज सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी डू यू कंसेंट टू द इंसल्ट ऑफ द गवर्नर, डू यू कंसेंट टू सच करप्शन दैट हैज टेकन प्लेस विच इज ऑफ 5000 crores, एंड इफ यू डू नॉट कंसेंट देन विदाउट एनी डिले मिस्टर सिद्धरमैया मस्ट रिजाइन, ही मस्ट स्टेप डाउन फॉर अ फ्री एंड फेयर प्रो। साल 2014 में बेंगलुरु के BTM चौथे स्टेज के दूसरे ब्लॉक में 8002 वर्ग मीटर की कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री ने यह स्वतः ये एक्शन के बाद मान लिया है कि उनको समझ में आ गया है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं, तभी उन्होंने एक जनरल कंसेंट जो सीबीआई को दी जाती है उसको विड्रॉ कर लिया है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर उसको लगता कि कर्नाटक हाई कोर्ट का कंक्लूजन गलत है वो रिजाइन करता और इंतजार करता टॉप कोर्ट के ओपिनियन की, परंतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कहा कि 55 करोड़ के भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं जिसमें उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया मूडा स्कैम के अंदर, वो कंक्लूजन सही है। जैसे एक चोर पुलिस से डरता है उसी तरीके से सिद्धरमैया जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से डर रहे हैं। इन सबसे यही स्थापित होता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा चोर, जो जितना ज्यादा जनता का पैसा लूटता है वो उतना बड़ा कांग्रेस का नेता बनता है।
तकरीबन 86,133 वर्ग फीट का सीए प्लांट साइट नंबर 5 बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में हाईटेक डिफेंस एयर जो है एरोस्पेस पार्क के हार्डवेयर सेक्टर में 5 एकड़ सीए जमीन KIADB द्वारा 30/5/2024 को सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में राहुल एम खड़गे को आवंटित की गई थी। सिद्धरमैया पर क्या आरोप है? यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल मुद्दा की ओर से अधिग्रहण की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। मुडा ने पार्वती को उसकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। चामुदा में एक आवासीय लोकार्पण विकसित भी किया गया था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ सिद्धरमैया और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। उनके पूरे परिवार का नाम जो है अब इस मामले में सामने आया है। और आपको बता दें कि इसी घोटाले में सीएम सिद्धरमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही उनके जो आप कह सकते हैं कि खिलाफ जांच है उसे शुरू करने का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। खड़गे का नाम भी अब इस मामले में आ रहा है। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धरमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से सीएम को बड़ा झटका लगा था। अदालत ने सीएम पर केस चलाने की मंजूरी भी दी थी। अब ऐसे में आप देखेंगे तो ये बड़ा कह सकते हैं मामला है। एक तरफ सिद्धरमैया है, दूसरी तरफ खड़गे जी हैं और दोनों के ऊपर ये मामला चलाया गया। अब जब ये आरोप लगे हैं, जब लोकायुक्त को शिकायत की गई है, तो इस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन जो है कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने भी इस मामले पर अपनी बयान दिया। क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। तो जैसे The law will take its own course, and Muda is that office is situated in Mysore, and whatever they want, the Muda people can take action, and it is not necessary that the government should respond it, because it is an autonomous body, Muda. They can take action, whether that whatever they have done is right or wrong. That is one thing. Another thing is, why so much fuss is created for this small exchange of land? If you say, while doing exchange of land, if you say it is against law, you inquire it. Or if you think that it is valuable, then you can say you return that land. Instead of opting these options simply to defame a person, throw him to defame party also. They are doing all these things. And thirdly, Siddaramaiah, if he has committed individually or personally, then he is responsible. But he has not done anything. Somebody else has done. Even that during BJP's period, that has been worked out, and he is not party to that. So it is not fair often and often to defame him. And ultimately their aim is to defame the party. Therefore, I condemn such views and such efforts of the opposition party. It is very bad, and there is no question of resigning from the chief ministership post. जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर खड़गे जी साफ तौर पर अपना बयान दे रहे हैं, कह रही हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो अपने हिसाब से जो है की जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि रिएक्ट करे और या फिर इसे लेकर कुछ कहे। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया, उन्होंने कहा कि एक चीज जो है वो ये है कि सबको पता है कि चीजें जब सही है या गलत उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। एक चीज और है कि अगर सिद्धरमैया ने
पर्सनली कोई क्राइम कमिट किया है और वो उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है, तो बीजेपी को साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज को खराब करने के लिए चीजें कर रही है। और वहां पर ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अगर आप कहेंगे कि गलत लाइट में दिखाना चाहती है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई सवाल ही नहीं उठता कि सिद्धरमैया को जो है यहाँ से वो कह रही है कि अपने पोस्ट छोड़ना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यानी खड़गे जो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं, अपनी चीज़ें भी नहीं कह रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम खराब किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को डिफेंड भी कर रही है, क्योंकि मामला सेम है। एक मामले में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि राज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए, दूसरा इसी मामले में अब खड़गे का नाम सामने आ रहा है, उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, उनके दोनों बेटों का नाम सामने आ रहा है, तो एक तरह से अपनी चीज़ को छुपा भी रही है और जो है सिद्धरमैया यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डिफेंड भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।